हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लेकर आए हैं एक नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने आज 5 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। तो वो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कौन कौन से जो एग्जाम थे जिनके परिणाम जारी किए गए हैं। तो लिस्ट वाइज आपको सबसे पहले जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जो कनिष्ठ अनुदेशक का जो पेपर हुआ था, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा सीधी भर्ती परीक्षा 2018, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, 8/8/2019 को आज की डेट में रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड द्वारा कौशल नियोजन उद्यमिता प्राविधिक शिक्षा परीक्षण विभाग के लिए राजस्थान तकनीकी परीक्षण अधीन सेवा नियम 1975 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीन मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक के अनुसूचित क्षेत्र के 48 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 149 पदों के लिए भर्ती की गई थी, जिसकी जो एग्जाम थी वो 24/3/2019 को आयोजित की गई थी। इसमें जो विद्यार्थी हैं उनको अस्थायी मतलब पात्रता के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्रता के लिए उसको सूचीबद्ध किया गया है। ये जो सूची है पूर्णतः अस्थायी है। यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। तो ये यहाँ पे जो रोल नंबर है विद्यार्थियों को जो पास किए गए हैं। और इसी के साथ अगर कट ऑफ की बात करते हैं, आप कट ऑफ भी देख सकते हैं, जो जनरल की कट ऑफ है वो 51 गई है, फीमेल की 48 और विधवा की 35 गई है। अगर एस सी की बात करते हैं, एस सी की 44 गई है जनरल की और 38 गई है फीमेल की। और अगर इसी के साथ बात करें एस टी की, तो एस टी की कट ऑफ जो गई है वो 37 गई है। और यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 48 गई है, महिलाओं की 43 गई है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन वो आप देख सकते हैं, होरिजन जो रिजर्वेशन एलटीसी पर एक्स वुमेन्स का 43 और 28 गया है। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके लिए रोल नंबर 2 विद्यार्थियों को पास किया गया है, कट ऑफ 47 गई है इसकी। और कुछ जो क्वेश्चन है जिनको डिलीट किया गया है, उन सब का भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है, आपके कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार ये जो रिजल्ट था वो था जो कनिष्ठ निदेशक सहायक, जिसको कोई कोपा बोलते हैं, उसका रिजल्ट था। अगर बात करते हैं दूसरे रिजल्ट की कौन सा जारी किया है, तो यहाँ पर हम बात दिखाते हैं जो रिजल्ट है जो वेल्डर का है। कनिष्ठ अनुदेशक की जो पोस्ट थी, वेल्डर जो इसकी ट्रेड थी, उसके अंदर जो भर्ती हुई थी, इसके लिए जो परीक्षा हुई थी वो 26/3/2019 को आयोजित की गई थी। इसमें भी टोटल 49 पदों के लिए भर्ती की गई थी, 49 पद थे, जिसमें 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रोल नंबर हैं उनके सबके, जो विद्यार्थी अस्थायी रूप से सेलेक्ट किए गए हैं पात्रता मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उनकी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दी गई, जनरल की कट ऑफ 71 गई है, जनरल में फीमेल की 46 गई है, एसए की 48 गई है, एसटी की कट ऑफ यहाँ देखते हैं तो 50 गई है, एसटी में फीमेल की 34 गई है। और अगर ओबीसी की जो कट ऑफ देखें तो ओबीसी में 62 गई है और ओबीसी में फीमेल की 35 गई है। ये जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं आप। अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करें, टीएसपी एरिया के, यहाँ पर देख सकते हैं ये कट ऑफ मार्क्स हैं, जो जनरल की 49 और एसए की 48 गई है। इसी के साथ इसमें भी जो क्वेश्चन जो विलोपित किए गए वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो अलग अलग सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे देख सकते हैं, जो डिलीट किए गए हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में कौन सी सीरीज का पेपर था, कौन सा क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है। अब अगर इसके बाद में अगर बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन जो कनिष्ठ अनुदेशक जो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसका जो रिजल्ट है वो भी आज घोषित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पेपर था वो टोटल 91 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें टोटल 91 पोस्ट थी। तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया पात्रता दस्तावेज जांच के लिए, पात्रता के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रोल नंबर हैं उनके जो विद्यार्थी पास किए गए हैं। आप कमेंट करके अपने रोल नंबर बता सकते हैं, आपको देख के बता देंगे आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके साथ अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात करते हैं, तो जनरल की जो कट ऑफ देख सकते हैं आप, जनरल की 63 गई है, फीमेल की 46 गई है, एससी की जनरल की 48 और एससी की फीमेल की 33 गई है, एसटी की जनरल की 46 और फीमेल की 32 गई है। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है 61 गई है, ओबीसी की फीमेल की 41 गई है। और यहाँ पे जो होरिजेंटल रिजर्वेशन ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर टीएसपी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे जो रोल नंबर हैं जो सेलेक्ट किए गए विद्यार्थी हैं, कट ऑफ इनकी 44 जनरल की गई है और एसटी की 36 गई है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं जो डिलीट हुए हैं, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 50 तक कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, 50 से 150 के बीच में कुछ एक एक क्वेश्चन हर सीरीज का डिलीट हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं फिटर की, तो जो फिटर का जो रिजल्ट वो भी आज ही घोषित किया गया है। इसमें जो टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए, कनिष्ठ जो फिटर जो ट्रेड थी उसके अंदर
59 पदों के लिए भर्ती की गई थी और जो आयोजन था वो 23 मार्च 2019 को किया गया था। इसमें भी 150 विद्यार्थियों को अभ्यर्थी हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगर इनके रोल नंबर और कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी दे रखे हैं और ये कट ऑफ मार्क्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 66 गई है, फीमेल की 36 गई है, जनरल एससी की 47 और एससी की फीमेल की 30 गई है, एसटी की 44 और फीमेल की 29 गई है। इसी के साथ अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की कट ऑफ 66 गई है। और टीएसपी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टीएसपी क्षेत्र के रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, जो विद्यार्थी सेलेक्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल की कट ऑफ 44 गई है, एससी की कट ऑफ नहीं है, यहाँ पर कोई सीट नहीं थी उनकी। इसमें जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देख सकते हैं आप 51 से 150 के बीच में लगभग 5-5 सवाल डिलीट किए गए हैं। अब अगर बात करते हैं हम इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की, तो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की जो भर्ती होती है वो भी टोटल 91 पोस्ट पदों के लिए की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप 91 पदों के लिए भर्ती की गई थी। 150 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया गया है। आज की डेट में परिणाम जारी हुआ है और आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप ये रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं या रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर की बात करें तो जो नॉन टीएसपी एरिया के रोल नंबर दिए हुए हैं, कट ऑफ की अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो जनरल की जो कट ऑफ है फीमेल की जनरल की 79 गई है, जनरल की फीमेल की 77 गई है, एससी की जनरल की 72 गई है, एसटी की जनरल की 72 गई है और ओबीसी की जो जनरल की कट ऑफ है वो 78 गई है। अगर बात करें टीएसपी एरिया की, टीएसपी के अंदर कोई सीट नहीं थी यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस सीरीज में डिलीट हुए हैं, 340 बीच में एक एक क्वेश्चन डिलीट है, 41 से 100 के बीच में 3-3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं हर सीरीज के। तो ये क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो भी आप भी अपने आंसर की दोबारा से चेक कर सकते हैं, जो फाइनल आंसर की वो भी अपलोड कर दी है। तो अगर आप अपना रोल नंबर कमेंट में कर दें, अगर आपको रिजल्ट देखना हो अपनी एग्जाम दिया हो तो आप भी जांच कर सकते हैं आप इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर विजिट करने वाले नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।